मार्क्स ऑफ ऑलूडेंट वल्टीपल ऑफ फाइव एंड लाइट बिटवीन फाइव टू फिफ्टी तो क्या क्या मार्क्स पॉसिबल हैल्टीपल्स हैं दे आर इज एक्सैक्टली वन स्टूडेंट विथ टेन ट्वेंटी थर्टी फाइव एंड फोर्टी फाइव मार्क्स इन द्वेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ईच कोचिंग वर डिस्टिंग मल्टीपल्स ऑफ टू ऑल दूडेंट ऑफ द कोचिंग है five, 10, तो जो भी हमारे यहाँ पे टेन स्टूडेंट्स हैं आप देख सकते हैं सभी के मार्क्स हमारे डिफरेंट होंगे मीनस किसी एक के पास फाइव मार्क्स होगा किसी एक के पास टेन किसी एक के पास फिफ्टीन किसी एक का ट्वेंटी एंड सो ऑन टिफ्टी और हमें क्या गिवन है द टेबल बिलो गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द गिवन कोचिंग्स टोटल इज द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कोचिंग ओके तो जो भी ये फाइव से लेकर फिफ्टी तक का टोटल होगा वो हमारे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे टू सेवेंटी फाइव तो जो भी हमारा ये चार्ट गिवन है इसे हम अपनी टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरह से हमारा ये आ जाएगा अब देखिए फाइव टेन हमारे पॉसिबल मार्क्स क्या क्या है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी अब ध्यान से समझना एटलीस्ट टेन एटलीस्ट टेन मीन्स टेन से लेके फिफ्टी तक और ऐसे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे थ्री तो बचा हमारे कितने स्टूडेंट थ्री यहाँ पर सॉरी ऐसे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे 19. तो बचे हमारे कितने स्टूडेंट्स क्योंकि देखिए हमें टोटल स्टूडेंट्स ट्वेंटी जो हमारे कितने स्टूडेंट्स होंगे ये हमारे मार्क्स हैं ओके और ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ओके तो देखिए फाइव मार्क्स हमारे कितने स्टूडेंट स्कोर करेंगे फाइव मार्क्स हमारे फाइव मार्क्स हमारे थ्री स्टूडेंट्स स्कोर करेंगे ओके okay, और पहले तो हम ये चीज नोट डाउन कर लेते हैं जो हमें डायरेक्टली टेन ट्वेंटी पर हमारे फाइव exactly तो okay, yes, से लेकर फिफ्टीन तक टोटल तो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 6, तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी टू ओके okay? आप देख सकते हैं ये हमारा टोटल फिर सिक्स हो जाना चाहिए थ्री प्लस वन प्लस टू at least 25 at least 25 means oh sorry at least 25 means 25 and more than 25 okay means यहां से लेकर यहां तक और इसका total कितना होना चाहिए 13 तो बाकी हमारे यहां पर टोटल कितना होगा 22 minus 13 दैट इज 9 तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 3 ओके okay, 6 ऑलरेडी हो चुका है तो बचा क्या हमारा 3 ये आ जाएगा एट मोस्ट 40 एट मोस्ट 40 मींस हमारे यहां तक तो बचा क्या हमारा सेवेंटीन यहाँ तक आ जाएगा बच्चा हमारा फाइव तो फोर हमारा यहाँ पर आ जाएगा और अब हमारे इसका टोटल कितना थ्री प्लस वन एटलीस्ट फोर्टी फाइव हमारे फाइव स्टूडेंट होंगे आप देख सकते हैं फोर्टी फाइव प्लस फाइव हमारे फाइव स्टूडेंट्स ही हैं तो ये सही है हमारा अब हमारे पास टोटल हमारे ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स होने चाहिए तो बची वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री प्लस वन फोर टू सिक्स थ्री नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टी फोर सेवनटीन फाइव ट्वेंटी टू अब देखिए कोचिंग ए में हमारे पास दो स्टूडेंट हैं और उनके हमारा टोटल मार्क्स कितने ओनली पॉसिबिलिटी जब हमारे दोनों स्टूडेंट कितना स्कोर करें प्लस 50 ओके 50. Okay? यहां पे मुझे पता है कि सभी वैल्यूज हमारी फाइव से लेके फिफ्टी तक सभी वैल्यूज एक एक बार आएंगी ओके okay? तो ये हमें पता है तो देखिए जब हम इनको सब कर देते तो अब हमें कितनी वैल्यू बचेंगी हमारी टू यहाँ पर जीरो हो जाएगा एक यहाँ से माइनस हो जाएगा तो हमारा वन बचेगा यहाँ पे एक यहां से माइनस हो जाएगा तो टू हो जाएगा यहां पर जीरो यहां पर जीरो यहां पर जीरो okay? मैं इसको क्यों सब कर रहा हूँ क्योंकि देखिए हम इसको प्लॉट कर चुके हैं यहाँ पे ओके okay? एक फाइव मार्क वाला हमने यहां पे दे दिया एक फिफ्टी मार्क वाला एक टेन मार्क मार्क वाला एक फिफ्टीन मार्क वाला एंड सो वन टिफ्टी मार्क वाले सभी एक एक स्टूडेंट हमारे यहां पर आ जाएंगे तो टेन स्टूडेंट हमारे यहाँ पर चले जाएंगे ओके okay? यहाँ पे बचा हमारा फोर यहां पर जीरो यहाँ पर बचा हमारा थ्री ये हो गया हमारा अब देखिये Uh, अब देखिए यहाँ पे हमें डी का अगर देखें तो हमारे पास फोर स्टूडेंट्स होने चाहिए और टोटल मार्क्स हमारे कितने होने चाहिए हंड्रेड तो क्या क्या पॉसिबल वे है uh, एक पॉसिबल वे है अगर हम फिफ्टी लें तो फिफ्टी के साथ हम फोर्टी ले सकते हैं प्लस फाइव प्लस फाइव ओके फिफ्टी प्लस फोर्टी नाइनटी प्लस फाइव प्लस फोर्वी देखिए क्योंकि अभी यही वैल्यूज हमारे पास बची है फिफ्टी बची है हमारे पास फोर्टी बची है एंड तो टू टाइम्स हमारे पास फाइव बचा है तो ये हम ला सकते हैं और क्या पॉसिबल वे है अगर हम फोर्टी प्लस फोर्टी ले तो एट्टी हो जाएगा ट्वेंटी ले नहीं सकते क्योंकि हमें फोर स्टूडेंट्स लाना है ओके फिर एक स्टूडेंट को हमें जीरो देना होगा तो मैं ला सकता हूं फिफ्टीन प्लस फाइव ओके एक पॉसिबल वे हमारा ये हो जाएगा ओके और हो सकता है कि और भी हमारे पॉसिबल वे हों हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं वट इज द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल दी टू स्टूडेंट्स टेकन टूगेदर ओके okay, तो देख सकते हैं हमारे पास थ्री स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाइव मार्क्स स्कोर किया तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू फाइव दैट इज टू हंड्रेड फोर्टी फाइव ये हो जाएगा मेरा टू हंड्रेड अब इनको हम कर लेते हैं ये कितना हो जाएगा मेरा हंड्रेड फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी थर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव दैट इज एटी टी प्लस टू हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड दैट इज फोर थर्टी ओके तो टोटल कर लेते हैं कितना जाएगा फोर सेवनटी फाइव फोर सॉरी ये आ जाएगा फोर सेवेंटी फाइव सेवेंटी एंड सिक्स फिफ्टी ओके एक बार आप कैलकुलेशन रिचेक कर लेना बस आपको फोकस करना है अप्रोच पे तो कितना आ रहा है हमारा फोर सेवेंटी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी ओके तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा सिक्स फिफ्टी हाउ मैन स्टूडेंट्स इन द क्विज स्कोर्ड फिफ्टी मार्क्स तो आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास फोर स्टूडेंट्स हैं इन कोचिंग सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मार्क्स इन द क्विज ओके तो अगर देखिए अगर हम ये वाला केस लें ये वाला केस लें तो एक फोर्टी हमारा यहां पर चला जाएगा और हमें पता है फोर्टी हमारे पास कितने बचेंगे फोर ओके तो फोर में से एक यहाँ चला जाएगा तो यहां पर हमारे पास कितने फोर्टीज आएंगे यहां पर हमारे पास थ्री फोर्टी वाले आएंगे

ये हमारा फाइव और फाइव यहाँ पर चला जाएगा देखिए तो अब हमारे पास जो मिनिमम मार्क वहां पे बचेगा वो हमें फिफ्टीन देना ही होगा यहाँ पे ओके क्योंकि देखिए फाइव तो हमारे दोनों डी के साथ आ जाएंगे आप देख सकते हैं डी के साथ दोनों 5 आ जाएंगे टेन हमारा ऑलरेडी हो चुका है तो फिर सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है फिफ्टीन और एक स्टूडेंट हमारा बचा है तो वो फिफ्टीन हमारा सी के साथ आ जाएगा तो मिनिमम क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी फिफ्टीन ओके सो so गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है काफी अच्छा सेट था इजी टू मॉडरेट सेट कहेंगे ओके okay, आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के सेट को आप अप्रोच कर सकते हैं थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग